और वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिल्ली के दौरे पर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से आज मुलाकात कर सकते हैं। राहुल के आवास पर बैठक हुई। प्रियंका, राहुल, वेणुगोपाल और पायलट के बीच बैठक हुई। जी आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी आज दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं और इस बैठक में प्रियंका, राहुल, वेणुगोपाल और साथ ही सचिन पायलट के बीच बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ मुद्दे रहे, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन आपको बता दूं कि सचिन पायलट भी दिल्ली के दौरे पर हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और साथ ही एक बैठक भी ली। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिल्ली के दौरे पर हैं। राहुल गांधी के आवास पर एक बैठक हुई और उसमें शामिल हुए सचिन पायलट। आपको बता दूं कि प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी आज दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के आवास पर एक बैठक है और इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं, सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल हैं। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत, जिस तरह से डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज दिल्ली के दौरे पर हैं और राहुल गांधी के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हुए, क्या कुछ कयास हैं, आपकी जानकारी क्या कहती है, क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे इस बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चाएं की गई होंगी? जी बिल्कुल, संगठन में बदलाव को लेकर जिस तरीके से CWC में बातें हुई थी, ठीक उसी संगठन के बदलाव को लेकर राहुल गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हुई, केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई और अभी इस समय सीएम अशोक गहलोत जो है वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और खास बात ये है कि पहले राहुल गांधी ने सचिन पायलट से पीछा किया और इस समय अब जो है खुद मुख्यमंत्री फीडबैक देने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं प्रदेश में संगठन में लेके, जिस तरीके से सभी राज्यों से जो है जो प्रमुखों से जो है इस्तीफे की बात आ रही है, तो ऐसे में क्या सचिन पायलट इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इस पर लेकर चर्चा हुई। संगठन में किस तरीके के बदलाव किए जाए इसको लेके खास मुलाकात हुई। केसी वेणुगोपाल से भी कल मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, उसको लेके भी एक फीडबैक दिया गया। जी प्रीत, जिस तरह से खबरें आ रही है कि एक साथ एक के बाद एक कांग्रेस में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है और शायद इसी को लेकर दिग्गज नेता बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी, ताकि कुछ जिम्मेदारी अलग नेताओं को सौंपी जा सके और करारी हार के बाद लगातार मंथन जारी है। लेकिन प्रीत, इतने इस्तीफे एक साथ कांग्रेस में देखने को मिले, इन इस्तीफों पर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, करारी हार है, केवल राजस्थान में ही नहीं देश भर में कांग्रेस की करारी हार हुई है। यही वजह है कि चार जो जो है राज्य प्रमुख जो है अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अब राजस्थान को लेके भी मंथन चल रहा है, ऐसे में प्रदेश में जरूर कुछ संगठन में बदलाव होने हैं क्योंकि निकाय चुनाव बहुत पास है प्रदेश में। 6 महीने के भीतर इस पर अच्छे से काम करना होगा ताकि आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस की ये स्थिति ना हो जो लोग चुनाव में देखने को मिली। प्रीत, जिस तरह से देश भर में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई और उनमें से एक राज्य राजस्थान भी है, 25 की 25 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में चली गई, तो क्या कयास है संगठनात्मक बदलाव में राजस्थान में भी, क्या प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा?
जी बिल्कुल, जरूर इस मुद्दे पे बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या सचिन पायलट को बदला जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सीएम खुद फीडबैक देने के लिए पहुंचे हैं, या केसी वेणुगोपाल ने जो राहुल गांधी से मुलाकात करके बात की, उसमें सचिन पायलट को हटाए जाने की बात कतई नहीं है। और राहुल गांधी फिलहाल एक उनका अंतिम निर्णय होगा इस मुद्दे पे कि राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं, ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट से मुलाकात की और अब जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में बेहद अहम होगा कि अंतिम फैसला राहुल गांधी क्या लेते हैं, क्योंकि जो संगठन के बाकी जो नेतृत्व के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से सचिन पायलट के इस्तीफे लाने को लेकर जो है ये उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया। तो फिलहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कुछ निर्णय लेते हैं इसको लेकर। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें अपडेट करते रहे इस खबर पर। एक बार फिर से बता दूं कि सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं और आज एक बैठक है राहुल गांधी के आवास पर, और इस बैठक में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद हैं और संगठनात्मक बदलाव को लेकर इस बैठक में चर्चाएं होंगी।